ये है गंगा जी और ये है गीता भवन। इसमें भी बहुत सारे रूम अवेलेबल हैं, लगभग 1200 रूम्स हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने पता किया था तो एक भी रूम खाली नहीं है। और 1200 रूम हैं, यानी लगभग 2400 से 2500 लोग इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें रूम खाली नहीं है, बुकिंग होती रहती है साल भर, लोग बुकिंग भी कराते हैं और आते हैं। तो मजबूरी है कि गीता भवन के उस तरफ जो होटल्स हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। तो गंगा जी के किनारे जो ये आश्रम या भवन होते हैं उनमें रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। महंगे रूम मिल जाते हैं, सस्ते 200-300 वाले रूम बहुत पहले बुक हो जाते हैं, और लोग 200-300 वाला रूम अगर पा जाते हैं तो लगभग 1 महीने 15 दिन बिताते हैं। ये गीता भवन है। इस तरह से हम आपको जितने भी ऋषिकेश के गंगा घाट के होटल्स हैं, आश्रम हैं, हम बारी बारी से आपको दिखाते रहेंगे। चलिए अगला हम आपको स्वामी नारायण आश्रम दिखाते हैं जिसमें 200 से 1000 तक रूम अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये पूरा स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट का है और इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लगभग 1500 रूम हैं। 500 रुपये तक इसमें मिनिमम रूम है। तो रूम यहाँ पे होटल्स और जो यहाँ पे धर्मशाला है वहाँ पे रूम मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है, 500 में डबल रूम मिल जाता है, लेकिन लोग गंगा जी के किनारे रहना पसंद करते हैं इसलिए उन लोगों को दिक्कत होती है। जिन लोगों को आधा किलोमीटर चलना हो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है परमार्थ निकेतन, ये है परमार्थ निकेतन और यहाँ पे लिखा हुआ है परमार्थ निकेतन। यहाँ पे योग शिविर किया जाता है और यहाँ पे भी रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही शंकर जी की मूर्ति है जो बाढ़ में पूरी तरह से डूब गई थी 2013 की बाढ़ में। ये लिखा हुआ है, ये बड़ी वाली मूर्ति है। ये भी गीता भवन का ये दूसरा भवन है। एक भवन इधर की तरफ था जिसको हमने दिखाया है और ये दूसरा भवन है। इसके आगे है स्वामी नारायण भवन या आश्रम, उसमें भी लगभग 500 से 800 रूम हैं। तो ये देखिए लोग, ये जो निकल रहे हैं ये गीता भवन में ही रह रहे हैं इस समय। ये है गंगा मैया और ये है लक्ष्मी नारायण आश्रम, इसमें भी लगभग 200 से 1200 तक रूम मिल जाता है और लगभग 800 के आसपास इसमें रूम है। तो ये है गंगा जी के किनारे जितने भी आश्रम और जो भी कह सकते हैं भवन है सब हमने आपको दिखाया है। और ये देखिए, ये है राम झूला, इसके बाद है लक्ष्मण झूला और ये गंगा जी होते हुए सीता सेतु से इधर की तरफ जाती हैं हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद ये मैदान पकड़ लेती हैं। तो गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक गंगा मैया पहाड़ों से गुजरती हैं और ऋषिकेश के बाद मैदान पकड़ लेती हैं, समतल पकड़ लेती हैं सब लाइन से। ये सारे के सारे होटल हैं जो 500 से 1000 रुपये में मिलते हैं डबल रूम। और वहाँ पे गंगा जी हैं जो हमने दिखाया था आपको, गीता भवन और परमार्थ आश्रम और श्री नारायण या स्वामी नारायण भवन। तो ये सब वहाँ से वो गंगा जी गई हुई हैं। तो वहाँ पे वो गंगा जी के किनारे किनारे वो सारे भवन आपको मिलेंगे। और इधर की तरफ आधा किलोमीटर इधर की तरफ यानी जहाँ हम खड़े हैं इधर की तरफ सारे होटल्स हैं, ये सारे होटल्स हैं। तो बहुत सारे होटल यहाँ पे मिलेंगे उसके पीछे परमार्थ आश्रम के। और ये है कार पार्किंग एरिया और पूरे ऋषिकेश की कार पार्किंग एरिया यहीं पे होती है। और इसके जस्ट पीछे से नीलकंठ महादेव के लिए ऑटो या टैक्सी वगैरह मिलती है। और हम जहाँ रह रहे हैं वो ये है, ये ऊपर का सबसे हाल है और यहाँ पे योगा और मेडिटेशन भी होता है। और इसके जस्ट नीचे मेरा रूम है, देखिए। तो होटल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं और अगर आप आते हैं तो होटल्स की कमी नहीं होने वाली, तो निश्चिंत हो के आइए। हाँ, हो सकता है कि आपको गंगा के किनारे ना मिले, लेकिन इधर की तरफ बहुत सारे हैं तो आपको मिल जाएगा। और ऊपर वो मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, वो बहुत फेमस मंदिर है भूतनाथ। अगर आपको फ्री में रहना है तो गंगा घाट के नीचे
बना हुआ है, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। तो फ्री में भी रहने की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो दिन, ज़्यादा दिन नहीं, और वो भी ठंड में नहीं रह सकते, गर्मी का मौसम है इसलिए आप रह सकते हैं। तो फ्री में रहने के लिए गंगा घाट में भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, फ्री में भी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुबह उठने के बाद आपको सुलभ शौचालय यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसी थाली है। ये है 80 रुपये की थाली, और खा के देखते हैं। जिसमें ये दाल है, दो बार मिलेगी, सब्जी है, आलू मटर टमाटर, और ये चटनी और अचार, चावल और रोटी, चार रोटी मिलेगी और ये चावल है। यहाँ पे गंगा जी हैं, और गंगा जी के किनारे ये चोटी वाले हैं, चोटी वाले के बगल में ही ये दर्पण रेस्टोरेंट है, इसी में आज हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो चल के दिखाते हैं, 100 रुपये में थाली है, कैसी थाली है हम आपको चल के दिखाते हैं अंदर। ये है ऋषिकेश का दर्पण रेस्टोरेंट, ये अपनी थाली जिसमें ये चार रोटी, दाल, पनीर, चावल और अचार और मिर्च भी रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो 60 रुपये की थाली मंगा सकते हैं, ये 100 रुपये की थाली। ये है चौहान वैष्णो भोजनालय, और ये भी ऋषिकेश में है, इसकी थाली 80 रुपये है। आइटम तो इसमें बहुत हैं, लेकिन अपने को थाली लेनी है क्योंकि उतना बजट नहीं है। तो रेस्टोरेंट का नाम है वैष्णो भोजनालय, और ये नीलकंठ महादेव रोड पे है, लगभग रामझूला से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप आ सकते हैं, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है।